जय गुरु जी। गुरु जी नु जय कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत नु भी जय गुरु जी। गुरु जी दा अनंतम शुक्राना जो आज मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। गुरु जी से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी 31 दिसंबर 1995 और 1 जनवरी 1996। मैं दोनों डेट्स इसलिए दे रही हूँ, अभी आपको आगे समझ में आएगा। 31 दिसंबर 1995 गुरु जी पटियाला में आए हुए थे टिवाना अंकल के घर, और मैं उस टाइम अमेरिका में थी। तो रिश्ते में मामा जी थे, वो घर पे आए, उन्होंने बताया गुरु जी के बारे में और गुरु जी के जो भी मिरेकल्स थी सुनाई मेरे पेरेंट्स को, और उनको बोला कि चलो आपको भी हम अपने गुरु जी के दर्शन करवा देते हैं। सो गुरु जी का बुलावा था, वो गए वहां पे। तो मैं शिव जी की काफी भक्ति किया करती थी। तो मेरे हूँ तो हम लोग सिख फैमिली से हूँ मैं, लेकिन मेरे मदर को जब वहां पे बैठे थे और उन मामा जी ने बताया भी था कि गुरु जी शिव जी ही है, तो मेरे मदर बड़े इमोशनल हो गए थे वहां पे बैठे बैठे बैठे। तो काफी दूर थे गुरु जी से, ये सोच के कि अगर ज्योति यहाँ पे होती तो वो भी गुरु जी के इनके दर्शन कर लेती, इनको ये मतलब शिव जी बोलते हैं इनको कि ये शिव जी हैं। तो ये बात 31 दिसंबर की है, और मुझे 1 जनवरी 1996 कुछ मतलब वहां पे अमेरिका में 5 बजे मेरी नींद खुल गई, और मैं अभी उठने ही लगी थी कि मेरी जो सामने दीवार थी सॉरी मेरी ना थोड़ा गला खराब है, सामने दीवार पे मेरी निगाह गई तो वहां ना ऐसे लगा कि दीवार के अंदर से ना जैसे कोई किसी देवी की फोटो निकली है मेरे सामने, और थोड़ी देर बाद एक और फोटो निकल आई, जैसे देवी देवताओं की ना एकदम जैसे बहुत सारी फटाफट फटाफट फोटोज निकल रही हैं, फिर गायब हो रही हैं, फिर फोटोज निकल रही हैं, और फ्रेम्ड फोटोज थी, नॉर्मल साइज फोटोज। और मुझे लगा, पहले तो मैंने सोचा कि शायद आई एम ड्रीमिंग, सपना है, और फिर मैंने उठने की कोशिश की तो रियलाइज किया कि मेरी बॉडी बिल्कुल ही पैरालाइज हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था कि हिल ही नहीं सकती थी। और फिर मैंने सोचा, फिर दोबारा सोचा कि शायद सपना है, तो लेकिन फिर मेंटली सिर्फ आईज आईज को ही मैं घुमा सकती थी कि लेफ्ट टू राइट, और आईज मतलब घुमा के ही देखा कि फलानी चीज कमरे में वहां पड़ी है वहां पड़ी है ऐसे करके। और फिर टाइम की तरफ देखा तो देखा कि सुबह के 5 बजे हैं, एंड देन आई रियलाइज कि ये सपना नहीं हैगा, पता नहीं की हो रहा है, और मैं डर गई, बहुत ज्यादा डर गई। मुझे ये तो नहीं हुआ कि ये देवी देवता की जो फोटो निकल रही है ये कोई मेरे पे ब्लेसिंग हो रही है, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई बुरी आत्मा है जिसने मुझे पैरालाइज कर दिया। और मैं अभी बस डर ही रही हूँ, तो थोड़ी देर बाद वो सारी फोटोज ना मेरे सामने ही जो निकल रही थी, एक पॉइंट निकला सेंटर में छोटा सा डॉट, और फिर घूमता घूमता बड़ा होता होता जैसे सुदर्शन चक्कर होता, गोल्डन कलर का बहुत बड़ा चक्कर सामने घूम रहा है मेरे सामने दीवार पे, और वो जो सारी फोटोज थी वो उसके अंदर चली गई, और उसके बाद वो जो चक्कर था उस इसी में गायब हो गई, और वो चक्कर था वो एकदम डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, और उसकी जगह एक बहुत बड़ी फ्रेम्ड फोटो थी, वही साइज जो आजकल हम बड़े मंदिर में गुरु जी का देखते हैं वो फोटो थी। और उस फोटो में एक लेफ्ट साइड में, जो मेरी लेफ्ट साइड थी, वहां पे एक पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है, और उसके कपड़े वही थे जो गुरु जी उसने क्रीम कलर के सिल्क के उसके जैसे गुरु जी पहनते थे उस टाइप के कपड़े थे, प्लेन सिल्क के, क्लीन शेवन, बॉल्ड, कोई बाल नहीं सिर पे, बहुत गोरा रंग, और आंखें बंद किए हुए मेडिटेशन पोज में। और मैं देख रही हूँ, ये तो मेरी समझ में आ गया था कि ये सपना नहीं हैगा, और मैं डर गई थी इतना, तो मैं सोच रही हूँ कि ये पता नहीं कौन है, बस ऐसी कर रही हूँ कौन है ये, कौन है कौन है, बस ये सोच रही हूँ। और थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि उस फोटो में से एक राइट हैंड एल्बो तक बाजू निकली है, कुनी तक की, और उसका जैसे हम थम्स अप साइन करते हैं ना ऐसे उसने उंगलियां बंद है और अंगूठा सीधा है, और अंगूठे पे तिलक लगा हुआ है, चंदन का पाउडर लगा हुआ है, वो दिख रहा था।
मुझे सिर्फ पूनी तक की वो आर्म दिखी है जो फोटो के अंदर से निकली है, और मेरी तरफ वो चल पड़ी और मैं इतना डरी हुई थी, मुझे लगा कि पता नहीं कोई जादू टोना है, पता नहीं क्या है, कि अगर इसने आके, मुझे इतनी समझ आ गई कि जो मेरी तरफ चल रही है तो इसने मेरे जो थर्ड आई स्पॉट है आंखों के बीच में वहां पे इसने तिलक लगाना है ये, और अगर इसने लगा दिया ना तो मुझे कुछ हो जाएगा। सो मैंने डिसाइड कर लिया अपने मतलब विद इन दोस फ्यू सेकंड्स के मैं तिलक नहीं लगवाना, पता नहीं ये की बुरी आत्मा है, मैं नहीं है ये, मतलब ये मुझे अपने काबू में कर लेगी। और आप देख लो कि वो बॉडी मेरी पैरालाइज्ड है, वो बाजू मेरी तरफ आई है, और जब बिल्कुल लगा कि अब ये मुझे टच करने लगी है, तो मैंने जितना मेरी शरीर में आई कुड कलेक्ट जितनी भी ताकत थी, मैंने ना अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, और उसी वक्त सारी ट्रांस जो कुछ भी था वो सारा टूट गया, जो भी था सडनली आई एम नॉर्मल, जो दीवार में सब कुछ गायब हो गया, और मुझे मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, मतलब बहुत डर गई थी मैं। तो मैंने फिर अपने मदर को कॉल की पटियाला में और उनको बताया कि ऐसे हुआ है, तो वो बोले कि तुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, उन्होंने अपना सुनाया कि हम लोग ऐसे गए थे। तो मुझे लगा, मैंने कहा कि कहते हैं वो बहुत बड़े संत हैं, तो मैंने कहा संत कैसे हो सकते हैं, ना तो दाढ़ी वो मैंने ही टोटली क्लीन शेव्ड है और बाल भी नहीं है, मैं संत को यह जे हूं देने। सो आई थॉट के वो मुझे सिर्फ मेरा मन रखने के लिए ना, मुझे दिलासा देने के लिए, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बता रहे हैं। लेकिन वो शी जस्ट केप्ट ऑन सेइंग, और उसके बाद भी जब बात होती थी तो उन्होंने यही बोलना कि तेनू ना गुरु जी ने दर्शन दिते ने, ते गुरु जी ने। सो उसके बाद मेरा ख्याल अराउंड अप्रैल इंडिया जाने का मौका मिला, और गुरु जी उस टाइम पंजाब में कहीं आए हुए थे, और मेरे पेरेंट्स वो रेगुलर जाने लगे थे गुरु जी के पास ना, तो वो मुझे साथ में ले गए, और वहां पे जब फर्स्ट टाइम मैंने गुरु जी के दर्शन किए हैं, मुझे अभी भी याद है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो ही थे कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं बस आई डोंट नो, बस समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। चलो जब तक इंडिया थी तब मैंने वहां उनके साथ, वो रेगुलर जा रहे थे ऑलमोस्ट एवरी वीक, तो मैं भी उनके साथ गुरु जी के दर्शन करने गई, और जब फर्स्ट टाइम गुरु जी के वहां पे गुरु जी ने एक आंटी को बोला कि आंटी उठ के आपदा सत्संग सुना, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब मेरे ख्याल पुरानी संगत सारी बताती है कि कैसे अजीब लगा था कि ये तो अपनी पब्लिसिटी खुद ही करवा रहे हैं। और उसके बाद एक अंकल से सुना कि लोगों के सत्संग सुनते थे कि जो उनके साथ मेरेकल्स हुई थी, ये तो विश्वास हो गया था कि गुरु जी बहुत ताकतवर ने, ये भी कि बिकॉज मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा था कि ये एक जगह दो जगह आ सकते हैं, मतलब एक जगह बैठना दूसरी जगह भी पहुंच जाएंगे, ये भी है इनमें, और जो ये आपकी जो सोच रहे हो वो भी इनको पता है, और जो इन्होंने मुंह से बोल दिया वो भी सच होगा, मतलब सारे सारी जो भी गुरु जी के बारे में था है था तो वो कि ये महाशिव है रब दा, लेकिन मुझे क्योंकि शिव जी की भगत होने के कारण मैं, मुझे वो ही बस वो लास्ट जो पॉइंट था ना कि ये शिव जी ने, बस उस पे मैं थोड़ा सा मुझे होता था कि ये इंसान ने, इन्होंने बहुत ज्यादा भक्ति की हुई है और इनमें बहुत सारे रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, दैट्स वाई ये इतने पावरफुल है। उसके बाद एक अंकल ने बताया कि गुरु जी ने, जिन्होंने गुरु जी ने शिव जी के दर्शन जो रूप दिखाया था तो उन्होंने अपना वो बताया, तो मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही बोल रहे हैं। एक अंकल को जिनको गुरु जी ने गुरु नानक देव जी के दर्शन करवाए तो उन्होंने भी बताया, वो भी मुझे लगा कि मतलब कुछ जा रही, मतलब गुरु जी गुरु नानक देव जी नहीं आएंगे ना ही गुरु जी शिव जी ने, ये मेरे मन में था। और फिर मुझे गुरु जी ने अपने माथे में शिव जी के दर्शन करवाए, मेरे उनके सामने बैठी थी थोड़े फर्क पे, लेकिन उस दिन भी मेरे मुझे ये रियलाइज नहीं होया कि ये शिव जी ने, ये रब ने, मुझे लगा कि इनके पास रिद्धियां सिद्धियां, ये मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं, पता नहीं, तो समझ लो कि उस टाइम रब ने वो अखा नहीं सी दित्तियां कि मैं उन्होंने
पहचान सका के कौन ने। बाकी सारा कुछ ठीक सीगा, मतलब समझ आउंदा सी उन्हां दा, पर वो ही बात नहीं समझ में आती थी कि एक रब नहीं हो सकते। तो उसके बाद गुरु जी ने ब्लेसिंग्स बहुत दी, और अनजाने में मैं गुरु जी से एक बार भक्ति के भी थी कि गुरु जी मैनु भक्ति दी दात दो। ते उस दिन जो गुरु जी ने मैनु कहा वो सारा कुछ मेरी लाइफ च उन्हां थोड़े जे ईयर्स च बिल्कुल सच सच निकलिया। दैट्स अ डिफरेंट सत्संग। चलो उस तो बाद फिर मैं ज्यादातर, क्योंकि मैं इंडिया च नहीं सी ते मेरी फैमिली का भी गुरु जी नाल कॉन्टैक्ट टुट गया। गुरु जी मैं खा दिल्ली चले गए सी ते 2007 च गुरु जी की महासमाधि हो गई। ते उदो तां जदों जब हुई है तब तो थोड़ा सा लगा था कि यतीम हो गए हैं, लेकिन उसके बाद आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो गई थी मेरे साथ। शिव जी की भक्ति मैंने कंटिन्यू रखी, लेकिन गुरु जी का मतलब याद आ जाता कि हाँ गुरु जी हुंदे सी, गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दित्ती सी, पर हुण तां गुरु जी हन नहीं, मतलब यू नो दैट काइंड ऑफ थॉट। ते उस तो बाद 2000 उथे मैं, अब जहां जो मैं शिव जी की भक्ति करती थी तो वहां पे गुरु जी की एक फोटो थी मेरे पास। एक्चुअली टू पिक्चर्स गुरु जी की मिली थी मुझे, एक तो पॉकेट साइज रेड ड्रेस में और एक थोड़ी सी बड़ी पोस्ट कार्ड साइज मिली थी। और वो मेरे जो मैंने यहाँ पे जो अलमारी में जो मैंने मंदिर बना रखा था उसमें बस पड़ी है फोटो, धूप बत्ती लगाई है, चलो गुरु जी ने भी मत्था टेकता, बट नॉट पेइंग अटेंशन टू गुरु जी एट ऑल। ऐसा नहीं कि भी मैं गुरु जी की भक्ति कर रही हूँ, शिव जी दी हाँ शिव जी ठीक ने। ते उस तो बाद की होया कि इन 2011, मतलब मैं बता रही हूँ कि गुरु जी ने वापस कैसे जोड़ा फ्रॉम अ पर्सन हु थॉट के गुरु जी तो हण नहीं। 11 जुलाई 2011 की बात है कि मेरे फोन में गुरु जी की फोटो आई। कहाँ से आई मैनू नहीं पता। गुरु जी का वो फोटो थी गुरु जी की ब्लैक चोले में, हैगी एक फोटो जिसमें उन्होंने चेक कलर का व्हाइट एंड ब्लैक चेक का स्कार्फ अपने गले में डाला हुआ है। मैंने सारा फोन उलटा के देख लिया, मतलब सर्च कर लिया कि कहाँ से ये फोटो आई है, पर मेरी समझ में नहीं आई। चलो मैंने 2 दिन तो बड़ा खुश कि हाँ जी गुरु जी की फोटो आई है, फिर भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि गुरु जी अपने से कनेक्ट करने की मुझे आइडिया दे रहे हैं। 2 दिनों के बाद फिर वही शिव जी की भक्ति, शिव जी की पूजा, शिव जी के व्रत, और चलो पाठ भी कर लिया सुखमनी साहब का, चलो ठीक है गुरु जी ने मत्था टेकता, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ गुरु जी हुंदे सी, बस यू नो लाइक दैट। उसके बाद 1 साल निकल गया, 2012 में गुरु जी का सपना आया और उन्होंने मुझे इशारा किया कि अपना राइट हैंड आगे कर। मैंने किया तो उन्होंने मेरे हैंड में ना, जैसे हाथ में सितारे चमकते सितारे ना छोटे छोटे से वेरी ब्यूटीफुल, उन्होंने मेरे हाथ में रखे और मैंने मुट्ठी बंद कर ली और मेरी नींद खुल गई। लेकिन मुझे ये कि मेरी मुट्ठी में कुछ है भी, अगर मैंने खोली ना तो गायब हो जाएगा। काफी टाइम है ना, मतलब 5 मिनट उसको बंद करके ऐसी पड़ी रही, और उसके बाद जब खोली तो देयर वॉज नथिंग। और लेकिन खुश के हाँ गुरु जी ने ना कोई ब्लेसिंग दिती है। बट देन अगेन आफ्टर 2-3 डेज हाँ गुरु जी सीगे, चलो ब्लेसिंग का भी मतलब नहीं समझ में आके क्या ब्लेसिंग दिया उन्होंने, चलो ठीक है। फिर 1 साल निकल गया, अक्टूबर 2013 की बात है, गुरु जी का सुखना आता है। फिर मतलब गुरु जी से मैंने 2 सालों में कोई गुरु जी की कोई गुरु जी की तरफ ध्यान नहीं दिया। 2013 में गुरु जी का सुखना आता है, मैनू कहते बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, छाबा उलटा दिया कर। मुझे नहीं समझ में आया, पहले तो मेरी नींद खुल गई कि छाबा उलटा दिया कर इसका क्या मतलब हुआ। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा और मैंने सोचा कि मे भी उनका मतलब है कि जब तू फुलका बनाती है और उसको कपड़े में लपेटती है उसको उल्टा के रख दिया कर, दैट्स व्हाट आई थॉट। लेकिन वो रेमेडी भी मैंने, हालांकि बहुत इजी रेमेडी थी, बट बिकॉज गुरु जी की तरफ इतना ध्यान नहीं था कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो मैंने वो 5 दिन की, 5वें दिन मैंने सोचा 6वें दिन के मैं तो शिव जी की भगत हूँ,
शिव जी की पूजा करती हूँ, अगर माड़ा टाइम आया भी तो गुरु जी शिव जी आपकी ठीक कर देंगे। और उससे इससे पहले मैं एक बात और बताऊं कि जो गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, मैं इंडिया में नहीं थी, तो गुरु जी ने मेरी मेरी मेरे को क्रोनिक बैक एक होती थी, और गुरु जी ड्रीम में आए थे, और गुरु जी ने मेरे ना बहुत जोर से किक मारी थी बैक पे, और मेरी नींद में ही ना मैं उछली थी बेड पे, और फिर मेरी जब नींद एकदम खुल गई थी, और मैंने सोचा कि पहले तो मैंने सोचा कि पता नहीं पैरालाइज्ड हो गई, कि एक पहला तो ये कि है गुरु जी ने मेरे लत क्यों मारी, फिर ये सी के पता नहीं मेरे लगता ही गई। फिर बट थोड़ी देर के बाद मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली मेरी जो पेन थी वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, जो काफी सालों से मुझे हुआ करती थी। सो बट दैट वॉज वेन गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे इंडिया में। तो अब तो गुरु जी है नहीं, सो अब गुरु जी के सपने का मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। चलो मैंने वो रेमेडी 5 दिन करके छोड़ दी। उसके बाद शिव जी की भक्ति, हम लोग जर्मनी में थे, फेब्रवरी में मैं वहां पे, जो गायनोकोलॉजिस्ट वहां पे वो रूटीन every 6 months वो बुलाते हैं कि अपना चेकअप करवाओ, रूटीन चेकअप करवाने गई, सारा कुछ ठीक, सब नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस तो बाद असी अमरनाथ, मैंने सुखना सुखी हुई थी बहुत सालों से भी अमरनाथ यात्रा करके आनी है, सो टिकट वगैरह भी बुक करवा लिया, चलो जी सारा कुछ सेट के अपनी डॉटर की समर वेकेशन में हम लोग वहां जाएंगे। अब आती है जून 2014 की बात है, मुझे मेरे कान के पास बहुत जोर दी, किसी ने बड़ी ऊंची आवाज बहुत जोर दी बोलिया, मैं सोई पड़ी हूं, कि तेरी ना बहुत जल्दी मौत होने वाली है। और लेफ्ट साइड पे गुरुजी बहुत सीरियस फेस एक्सप्रेशन से मेरी तरफ देख रहे हैं। मेरी तो नींद खुल गई, क्योंकि वो आवाज इतनी ऊंची थी जो कान के पास किसी ने बोली थी, और बात भी ऐसी थी कि डरना तो था ही, मैंने पसीनो पसीनी मैं, क्या की हो गया या कहे जा सुफना सी। सो मैंने चलो अपने मदर को कॉल की, उनको बताया, तो वो बोलते कि सपने च गुरु जी खड़े ने, तू फिक्र ना कर। मैं कहा फिक्र क्यों ना करा, वो आवाज मैनू कह रही है कि तेरी बहुत जल्दी मौत होने वाली है, मतलब इट्स टू स्केरी। तो मैंने उनसे बोला कि आप ना ऐसा करो कि मेरी ना हॉरोस्कोप, आप एस्ट्रोलॉजर वहां पे पटियाला में हैं एक दो अच्छे, आप उनको मेरी हॉरोस्कोप दिखा दो, आई जस्ट वॉन्ट टू बी श्योर के कोई कुछ माड़ा ना होवे, क्योंकि पिछले साल कुछ महीने पहला गुरु जी बोल रहे थे कि माड़ा टाइम आने वाला है, सो जस्ट बी श्योर, जस्ट टू बी श्योर। सो उन्होंने मेरा बहुत कहने पे तो वो लोग मेरे वो जाके उन्होंने हॉरोस्कोप दिखाई, और पंडित ने 3 बातें बोली। एक तो ये था कि जी उन्हों कहो वो जहाज ना चढ़े इंडिया का, सोची ना आन दा, बिल्कुल ना प्लेन एयर ट्रेवल करे। फिर मेरे मम्मी ने बताया कि वो तो अमरनाथ जाने का उसने टिकट वगैरह बुक करवा रखे हैं। वो पंडित जी कहते कि वो तो भूल जे, अमरनाथ कहते उत्थे जाएगी तो वो स्ट्रेचर पे वापस आएगी, और तीसरी बात कि इसके हॉस्पिटल के चक्कर लगने वाले हैं, अंदर बाहर यही होगा, और चौथा उन्होंने ऐसी इंडिकेशन दे दिया कि अब बस भगवान को अरदास करो सब ठीक रहे। बट द वे ही सेड इट, इट मेंट के पता गई ये नहीं बचती, बट ही डिड नॉट से इट इन एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन गेव दैट इंडिकेशन। सो मेरे मदर ने मुझे कॉल करके बताया, तो डर तो मुझे लगा, लेकिन बाद मुझे ये भी हुआ कि चलो वो कहते ने कि ट्रेवल ना करे, सो हम लोग कैंसिल कर देंगे अमरनाथ जाने का, और इंडिया नहीं जाएंगे, सो उससे जो भी माड़ा माड़ा ग्रह वो टल जाएगा। मतलब मैं अपना आइडिया लगा रही हूँ, अपना दिमाग, कि चलो जी असि आए सेट हो जाएगा। उसके बाद जुलाई 2000 हमारी टिकट बुक थी, जुलाई के एंड की लास्ट, मैं कहा 29-30 जुलाई दे रहा हूँ, 17 जुलाई की बात है। एकदम मुझे लगा कि शायद मेरी ना राइट ब्रेस्ट में जैसे ओवरनाइट ही लंप अपेयर हो गया बड़ा सारा। सो नेक्स्ट डे आई वेंट टू द सेम गायनोकोलॉजिस्ट, और उसने मेरा स्कैन किया, और उसने बोला कि ऊपर तो जो लंप है दैट इज नथिंग टू बी, उसका उसका डरने की बात नहीं है, वो तो वाटर सिस्ट है,
लेकिन उसके नीचे मुझे कुछ दिख रहा है, जैसे ना बहुत छोटा सा पिन, जैसे पिन होता है ना उसके उस साइज का कोई छोटा सा स्टार दिख रहा है, उसके बारे में ना दैट हैज टू बी चेक कि ये है क्या। और उन्होंने मैमोग्राफी के लिए भेज दिया, मैमोग्राफी होगी, मैमोग्राफी वाली जो डॉक्टर थी मैंने उससे पूछ ही लिया, मैंने कहा भी तू मैंने टेल मी कि ये है क्या, मतलब मुझे था कि क्योंकि डॉक्टर ने इंडिकेशन दिया था कि शायद कैंसर ना हो, सो आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर कि कैंसर नहीं हैगा। लेकिन जो जिसने मैमोग्राफी की वो कहती कि आई डोंट वांट टू कीप यू इन इल्यूजन, दे इट लुक्स लाइक कैंसर। तो संगत जी तुसी देख लो कि जदों बंदे नू किसी नू पता लग गया कि उन्हें कैंसर हो गया या कैंसर दा शक हैगा, जो डर उस टाइम इंसान को होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। हम लोग वहां से जब घर पहुंच रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बिल्कुल चुप, एंड आई वाज इन कंप्लीटली शॉक में हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बस गई बस, क्योंकि वो जो सपना है तो वो भी था कि तेरी बहुत जल्दी मौत होने वाली है, और अब ये डॉक्टर बोल रहे हैं कैंसर, तो मैं तो गई बस, बस एन आई सी बस, यू नो यही बार बार दिमाग में आ रहा था। और घर आई, खाना खुना तो क्या खाना था, रोने लग गई गुरुजी की फोटो के, मतलब पहले गुरुजी का ध्यान नहीं दिया, फिर गुरुजी की फोटो के सामने बैठ के रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ कि गुरुजी आ की, गुरुजी आ की हो गया। और रोते रोते मुझे नींद आ गई, और फिर गुरुजी सपने में आए, और गुरुजी ने येलो कलर का, मेरा ख्याल बैसाखी के उस टाइम का वो है, एक वीडियो भी है, उन्होंने येलो कलर का चोला पहना हुआ है, वो चोला पहना हुआ था, और मुझे बोलते तू दस मैं तेरी हेल्प तेरी मदद क्यों करा। मेरी तो जी, मैं सपने में भी कह रही हूँ गुरुजी मैंने बचा लो, गुरुजी प्लीज मेरी हेल्प करो, और मुझे बोलते तू दस मैं तेरी हेल्प क्यों करा। और मेरी ना नींद खुल गई, और मैं इतनी घबरा गई कि जो लास्ट था ना कि बस भी गुरुजी, जो पहले तो था कि गुरुजी हार नहीं, हूं था कि गुरुजी है गे, और वो भी सहारा मतलब लगा कि ये भी हाथ से निकल गया, अब क्या करूं। और बहुत मैं घबराई, बहुत ज्यादा रोई भी, समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने आई क्यों क्या है भी, तू दस मैं तेरी हेल्प क्यों करा। फिर वो ही है कि गुरुजी क्वेश्चन भी गुरुजी देने, आंसर भी गुरुजी ही देने ने। और 2 दिनों के बाद मेरे अंदर यही आवाज आने लग गई थी कि जदों तू मैनू रब समझिए ही नहीं, फिर तू मेथों की मांगती है। और देन आई रियलाइज के एक्चुअली जो लाइफ है वो रब ही दे सकता है, ते मैं गुरुजी नू हमेशा एक संत महात्मा ही समझा, एंड संत महात्मा थोड़े लिए रब नू अरदास कर सकते ने, थोड़े लिए प्रे कर सकते ने, बट वो थोड़ी डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकते। ते गुरु जी जो फिजिकल फॉर्म से तो गुरु जी कहते होंगे सी कि मेरे को कलम है कि मैं थोड़े पुराने लेख मिटा के नवे लेख लिख लिख दिना लिख सकता। तो सारियां गल्लां सारियां चीजा याद आ गईं कि गुरु जी आए कहते सी ते आए कहते सी ते, मैं तो जमे गुरु जी नू निगलैक्ट, मैंने बिल्कुल ही निगलैक्ट कर दिया गुरु जी को, और सिर्फ शिव जी की भक्ति में लगी रही, और वो डेडिकेशन के साथ ही शिव जी की भक्ति, मे बी दैट्स वाई गुरु जी वॉज देयर टू प्रोटेक्ट मी। तो उसके बाद मैंने गुरु जी से माफी मांगी कि गुरु जी मैं माफ कर दो, मैं थोड़ी बहुत बेकदरी की है, बेकदरी तो हुई थी कि मैंने आपको समझे ही नहीं, समझ ही नहीं सकी कि तुसी की हो, कि मैंने बहुत माफिया मंगिया उन्होंने। तो चलो उस तो बाद फिर के गुरु जी आई प्रॉमिस के हुन मैं ये चीज नहीं दोबारा करनी, कि मैं थोड़े ते विश्वास नहीं करना। सो मीन टाइम आई वेंट फॉर बायोप्सी, बायोप्सी की रिपोर्ट च आ गया कि जी कैंसर है, और उत्थे जो जर्मन एनकोलॉजिस्ट सर्जन सी वो बोलते कि आके ना अपनी सर्जरी करवा लो, जितनी जल्दी करवा लो उतनी जल्दी ठीक है, बिकॉज जब खोलेंगे तभी पता चलेगा कि अंदर कितना फैल गया। लेकिन फिर मैं वो ही के मैंने गुरु जी से प्रॉमिस किया था कि गुरु जी हूं मैं बिच बचाड़ा नहीं करना, ज्यादा विश्वास है या नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि जब दिल किया तो थोड़ा सा विश्वास कर लिया और फिर छोड़ दिया और फिर अपना दिमाग लड़ा लिया, ऐसे नहीं करना, या तो है या नहीं है।
तो मैंने हम लोगों ने अपने उनको डॉक्टर्स को बोला कि हम लोगों ने तो इंडिया जाना है और आके सर्जरी वगैरह करवा ले। वो बोलते कि ठीक है करवा लो, लेकिन अंदर फैल जाएगा, कैंसर है, एक बड़ा कोई छोटी जी चीज है। बट लेकिन मैंने कहा कि नहीं, एकदम पता नहीं अंदर से कैसे हिम्मत आ गई कि मैं तो इंडिया जाना है, मैं अमरनाथ भी जाना है, आके देख लांगी, देखी जाऊंगी। तो हम लोग इंडिया अंदर दर्शन किए, कुछ नहीं होया, जब एरोप्लेन दी फ्लाइट कुछ नहीं होया। वहां से हम लोग पटियाला आए, फिर अमरनाथ भी दर्शन करके आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्ट्रेचर दा कुछ नहीं होया, दर्शन भी इतने खुले हुए वहां अमरनाथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3 वीक्स के बाद हम लोग वापस जर्मनी आ गए और उसके बाद मेरी सर्जरी शुरू हुई। सर्जरी से पहले जो मेरी डॉक्टर्स थे वो उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब की एंटी डिप्रेसेंट, तो वो मैंने लेने से जवाब मैंने जवाब दे दिया कि मैं नहीं लेनी हैगी। और उन्होंने पूछा भी कि क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट इज यू नो वेरी डिफिकल्ट, किसे जे प्रॉब्लम पई, जे डिप्रेशन आया थे, यू नीड इट। तो मैंने उनको गुरुजी की फोटो दिखाई थी, वही जो पॉकेट साइज थी। मैंने कहा मेरे पास सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, दिस इज माय गॉड। चलो सर्जरी वाले दिन नर्स ने जब वो कमरे में आई, उसने मुझे मतलब टैबलेट वगैरह देने लगी टू नॉक मी आउट, ताकि वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए। तो उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि अगर मैं बेहोश होगी तो नर्स को बोल देना जब आएगी कि गुरुजी की जो पॉकेट साइज फोटो है उसको मेरे पिलो के नीचे रख दे। तो उसने जब मेरे हस्बैंड ने उसको बोल दिया ऐसे, लेकिन जब वो लोग मुझे वहां पे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वहां से एक बेड से उठा के ऑपरेशन टेबल में डाला, तो वो फोटो उस बेड पे रह गई जिस बेड से वो मुझे लेके आए थे अंदर। चलो जी सर्जरी मेरी शुरू हो गई। अभी सर्जरी शुरू हुई है, उन्होंने जो था ब्रेस्ट को थोड़ा सा इंसिजन करके खोला, जो उनको लगा कि छोटा था या कोई ज्यादा कैंसर नहीं हैगा, जो कुछ भी उन्होंने निकाला, चलो लगा के क्लीन कर दिया कि ठीक है। अब वो स्टिच करने लगे हैं मुझे, जो मुझे बाद में पता चला। और जब वो स्टिच करने लगे हैं तो मेरे मुझे होश आ गया ऑपरेशन टेबल पे ही, और मैंने अपनी राइट साइड पर मुझे फील नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, लेकिन बहुत धुंधला सा दिख रहा था, दोनों सर्जन के मास्क फेसेस दिख रहे थे। और मैं लेफ्ट साइड लेफ्ट मतलब हाँ अपना हाथ ऊपर उठा के ना अपने इंडेक्स फिंगर और अंगूठे से इशारा किया कि वेयर इज माई पिक्चर, बड़े यू नो बड़े स्टर्नली वेयर इज माई पिक्चर। और वो बड़े हैरान कि इसको होश आ गया, तो वो बोलते मुझे डू यू नो हु यू आर, तुझे मतलब पंजाबी में तेनू पता तू कौन है। और मुझे बड़ा उस टाइम भी अजीब लगा कि इन्हों नु पता नहीं मैं कौन हूँ, आई मीन दे आर आस्किंग मी। तो मैंने उन तो मैंने मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स आई नो हु आई एम, हियर इज माय पिक्चर। तो वो सारे वहां पे हफड़ा दफड़ी मच गई कि कौन सी पिक्चर कौन सी पिक्चर, इसको होश कैसे आ गया। तो उन्होंने मुझे चलो उठा के वो गुरु जी की फोटो दिखाई कि दिस पिक्चर यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड आई सेड यस, इसको ना मेरे आई मीन प्लीज पुट इट अंडर माय पिलो, मतलब मेरे जो ऑपरेशन टेबल वाला पिलो है ना इसके नीचे रख दो। उन्होंने ऐसे ही किया, उसके बाद नहीं मुझे होश, मैं बेहोश हो गई उसके बाद। उसके बाद वो जो बताते हैं कि जैसे मे बी गुरु जी डायरेक्टेड देम, उन्होंने अंदर और डिग करना शुरू किया और कैंसर अंदर जाके लिम्फ नोड्स में फैल चुका था। उस दिन उन्होंने मतलब जब आगे तो पता नहीं चल रहा था, बट जब थोड़ा कॉलर बोन के नीचे डिक करने के बाद दे फाउंड इट आउट, और उसमें उन्होंने 17 लिम्फ नोड्स निकाले उस दिन, 12 में कैंसर था और 5 गुड वंस जस्ट एज अ प्रिकॉशन। और फिर उसके बाद नेचुरली उन्होंने टेस्ट करना था कि किस टाइप का कैंसर है। चलो मुझे मैं अपने कमरे में उसके बाद आ गई, उसके बाद रिपोर्ट आई नेक्स्ट डे, और वेरी एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर, बहुत ज्यादा। और उन्होंने ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला कि 9 कीमोज होंगी, बड़ी ही हाई इंटेंसिटी वाली मेडिसिन की,
और उसके बाद देखेंगे कि ट्रीटमेंट जब पूरा होगा कि ठीक होया कि नहीं होया, अभी अभी कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद चलो कीमो स्टार्ट होगी। बीच में मुझे 10 दिनों के बाद, जब मेरी सर्जरी हुई है 10 दिनों के बाद, पता नहीं कहाँ से स्ट्रेंथ है, जब वो उस डॉक्टर बोल रहे थे कि बड़ा एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर है, तब एकदम मुझे, हम दोनों को, मी एंड माय हस्बैंड, हम जमीन फट जाए, अंदर समा जाए, मतलब इतना बड़ा शॉक लगा था। मेरे हस्बैंड को तो ज्यादा लगा, लेकिन मुझे 2 मिनटों के बाद दिमाग में आया कि गुरु जी हारेंगे, मतलब कुछ नहीं होता, गुरु जी हैं। सो दिमाग में आया कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए। सो 10 डेज आफ्टर द सर्जरी हम लोग दिल्ली गए, वहां बड़े मंदिर दर्शन करके वहां से सीधा वापस जर्मनी वापस आ गए। मीन टाइम मैं एक एक और बोलूं कि जेठरा अंकल के जो एक वीडियो था, अभी भी है यूट्यूब पे, वो उन्होंने जहाँ पे गुरुजी येलो चोले में बैठे हैं और जेठरा अंकल गुरुजी की बारे में बता रहे हैं, आधे घंटे का वीडियो है वो, मैंने इतना देखा इतना देखा, और उससे मुझे इतनी हिम्मत मिलती थी ना, मैं बता नहीं सकती। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के बारे में भी उसके शुरुआत की थी कि मेरे बेटे को कैंसर हुआ था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आगे जाके उसी बेटे से मेरा भी कांटेक्ट होगा। मतलब गुरुजी तो देखो, प्लानिंग गुरुजी की जैसे थी। तो उसके बाद मेरी 4 कीमोस, जब 4 कीमोस पे तो मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब बाल तो झड़ गए थे, लेकिन चलो दैट इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स, लेकिन वैसे ठीक थी। और आना अपना ऑफिस का काम भी कर लेना, और मुझे लगा कि कीमो तो बहुत आसान काम है, मतलब पीपल आई डोंट नो, लोग क्यों बोलते हैं कि जी कीमो बड़ी डिफिकल्ट हुंदी है। सो नाउ आई 5th कीमो। 5th कीमो से पहले मुझे गुरुजी का सपना आया, छोटे से फॉर्म में है वो, मेरे बिल्कुल मुंह के पास है, और किसी चीज को ना, जैसे आप ओपन पाम से बोलते हैं कि तू जा यहां से, ऐसे किसी चीज को उन्होंने 5 बार बोला है कि भग जा भग जा भग जा, 5 बार। मेरी नींद खुल गई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब मैं ठीक हूँ। गुरु जी ने ना जो कोई भी मेरे ऊपर कोई भी मौत का ग्रह था ना, उसको बोल दिया कि तू जा यहां से भग जा, और मैं ठीक हूँ अब, ये मैंने सोचा। नेक्स्ट डे 5th कीमो हुई, और 5th कीमो के बाद 2 दिनों के बाद ऐसा अटैक हुआ पैरालिसिस का कि मतलब एक तो आधा मुंह बिल्कुल पैरालाइज्ड, राइट हैंड साइड का फेस बिल्कुल, सिर्फ मुंह बिल्कुल, आंख भी खड़ गई, बिल्कुल पैरालाइज्ड, और मुंह भी बिंगा हो गया, एंड बाकी भी बैलेंस, मतलब वो भी जानता रहा, और मेरी निगाह ऐसे चली गई दोनों आंखों की कि मुझे सिर्फ 1 मीटर तक दिखाई दे रहा है, और चक्कर चक्कर पे चक्कर चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं। अगर तो बैठ जाऊं तो चक्कर आ रहे हैं, अगर लेटी हुई हूं तो ठीक हूं। सो आई वॉज एडमिटेड इमरजेंसी में। वहां जाके उन्होंने अपना जो भी ट्रीटमेंट था, उन्होंने पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि हो कि क्या, लंबर पंक्चर, उन्होंने रीढ़ की हड्डी से पानी लिया और 2 दिन उसी में लगा दिए कि होया की है। उसके बाद फिर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया और व्हीलचेयर पे आ गई। तो तब मुझे लगा कि मैं तो गई, मतलब जैसे बंदा हिम्मत हार जाता है ना, वो हालत हो गई थी मेरी। और फिर मैंने वहां से, हॉस्पिटल से, मैंने अपने मदर को, उनको पता तो था कि ट्रीटमेंट शुरू हो गया, उनको ये भी पता था, लेकिन ये नहीं मैंने बताया था कि पैरालिसिस का अटैक हो गया, त्याय हो गया, क्योंकि मैंने आए सी कि वो एमी फिक्र करेंगे। सो मैंने वहां से कॉल की उनको, उनको बोला कि मेरी हालत ठीक नहीं हैगी, मतलब पता नहीं मैं ठीक नहीं हाँ। तो मेरे मदर मुझे बोलते, मेन टाइम उन्होंने गुरुजी का पाठ शुरू किया हुआ था, तो वो मुझे बोलते कि मैं जदों भी पाठ कर दिया ना, तो मैं जो तेरे बारे सोच दिया था, मेरे मुझे गुरुजी की जैसे आवाज आती है, कुछ नहीं होया उन्होंने, वो ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे ना मेरे मदर के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि तू ऐसी डर रही है, कुछ नहीं होया तेनों, वो ठीक है। सो उससे मुझे थोड़ी सी हिम्मत हो गई। सो आफ्टर 17 डेज वो लटको फाइंग जो हो रहा था हॉस्पिटल में, मतलब जो आई साइट का भी सारा कुछ, उसके बावजूद भी
वहां से डिस्चार्ज कर दिया, और मैंने सोचा कि चलो अब मेरा ट्रीटमेंट खत्म, मतलब अब दोबारा कीमो नहीं होगी, बिकॉज मेरी हालत कीमो वाली, कीमो मेडिसिन लैन वाली सीगी नहीं। लेकिन उन्होंने दिसंबर के एंड में वो बोलते कि नहीं आ जा, कीमो जड़ियां रह गई, चार कीमो जो रह गई थी अब वो भी करनी है। सो तब मुझे लगा कि क्योंकि पैर भी बना नहीं था, निगाह भी अभी रिस्टोर नहीं हुई थी, वो एक मीटर तक की निगाह थी मेरी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बड़े मंदिर में ना, क्योंकि सत्संग सुन रखे जो भी यूट्यूब पे थे, और जेथरा अंकल का तो मैं बहुत कॉन्टिन्यूसली सुन रही थी, दिमाग में आया कि मैं ना वहां से लोटा ब्लेस करवा लूं। सो मैंने बड़े मंदिर मैसेज भेजा, और मैंने अपनी फैमिली को बोला पटियाला में कि आप करवा लो, जाके करवाया, और जनवरी की बात है, लेकिन तब मौसम इतना खराब था कि उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो दिल्ली आ जाए। तो मैंने जब ये अब फिर डेस्परेट किया, अब मुझे लोटा भी नहीं मिल सकता। सो मुझे आंसर किसने किया मेरे मैसेज का, सुमित जेथरा, जेथरा अंकल के बेटे, जिनको खुद को कैंसर होके हटा था काफी साल पहले, जो गुरुजी ने उनको ठीक किया था, उनका जवाब आया मुझे कि आंटी मैं थोनू, मैं आपको लोटा ब्लेस करके भेज देता हूँ। और उन्होंने मुझे लोटा ब्लेस करके भेजा, और प्लस उन्होंने एक पिक्चर गुरुजी की, जो गुरुजी की क्रीम कलर की है, साइड पोज है, मतलब जिसमें वो स्माइल कर रहे हैं, और जो चुन्नी है उस पर गोल्डन सा बॉर्डर लगा हुआ है, वो फोटो उन्होंने मुझे ईमेल कर दी, और मैंने वो प्रिंट करके अपने कमरे में बेडरूम में रख ली। चलो मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया, लोटे से मैंने जल पीना शुरू किया, लेकिन फिर भी ना जैसे डावा डोल के पता नहीं बचा होगा कि नहीं होगा, ट्रीटमेंट कैसा होगा मतलब। और एक दिन ऐसा आया कि ऐसे लगे कि गुरुजी कुछ तो इंडिकेशन दो, बहुत डेस्परेट, कि कुछ तो इशारा दो कि हाँ आप तक मेरी मेरी जो मतलब जो भी अरदास कर रही हूँ पहुंच रही है, मैं बच जूं, बहुत ज्यादा डेस्परेट। और मैं मंजे पे बैठी हूँ, सुबह का ही टाइम है, 5 बजे का ही, और बाहर स्नोफॉल हुई हुई थी, और अंदर सेंट्रल हीटेड होने के कारण सारिया दरवाजे ताकियां सब कुछ बंद सीगा। एंड अभी मैं बस बैठी सोची जा रही हूँ कि हाय मेरे नाल की होगा, बहुत भी गुरु जी तुझका कुछ तो इंडिकेशन दो, तुझे हम सुपने च भी नहीं आ रहे, मैंने कुछ तो पता लगे। और मेरे सामने ना एक बटरफ्लाई अपेयर हुई, मेरे सामने मैं देख रही हूँ, वो क्रीम कलर की, और उसका गोल्डन बॉर्डर कमरे में, और लाइट बंद थी लेकिन हॉल की लाइट ऑन थी तो इसलिए दिख रही थी। वो आई और उसने मेरे सिर के ऊपर दो चक्कर काट के जो राइट हैंड साइड थी वहां पे आके उसने मुझे टच किया, और उसके बाद धड़म से मुझे आवाज आई कि जैसे ना वो धड़म से नीचे फर्श से डिगी है, और मैंने फटाफट लाइट जलाई के, और वहां पे कुछ नहीं था। एंड देन आई रियलाइज एक्चुअली गुरु जी ऑफ द प्रेजेंस के, मैं हाँ तू फिक्र ना कर, मैं हाँ, मतलब वो मैनू तसल्ली दे रहे ने। उसके बाद कभी फुलका बना रही हूँ तो उस पे ओम बन जाना, कभी फर्श पे ओम बन जाना, मतलब दैट वाज द वे ऑफ गुरुजी टेलिंग मी के मैं हूँ। और मेरी दिमाग में फिर भी ये नहीं आया कि जे अगर गुरुजी ने मुझे मतलब बचाना था, गुरुजी ने मुझे बचाया है, इसीलिए तो पहले वाटर सिस्ट अपेयर हो गई कैंसर के ऊपर, अगर ना आती तो पता ही नहीं चलना था, है ना। और फिर मतलब ट्रीटमेंट भी जो हॉस्पिटल में चला, मतलब पैरालाइज्ड के बावजूद भी घर पे आके आई कुड वॉक अगेन, मतलब चाहे दीवार को पकड़ के मैं चल रही थी बट आई कुड वॉक अगेन। और उसके बाद चलो ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 31 रेडिएशन हुई, और जब सेकंड रेडिएशन हुई आप समझ लो कि ऑल्दो मेरा आधा फेस अभी भी पैरालाइज था, और आंख मुझे हाथ से बंद करनी पड़ती थी अपनी जब मैं सोती थी, उसके बावजूद भी आई कुड ड्राइव द कार, और मैं मतलब मुझे लगा कि मेरी निगाह थोड़ी इम्प्रूव्ड है,
और मुझे किसी पुलिस ने नहीं वहां पे रोका, नहीं तो प्रॉब्लम पड़ जाती। सो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप अब ना मेरे साथ रेडिएशन के लिए जाओ, मैं जा सकती हूँ, आई कैन ड्राइव। सो चलो वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, चलो मुझे लगा के चलो उन्होंने चेक किया उसके बाद कि हाँ जी सारा कुछ ठीक लग रहा है जी, कैंसर खत्म हो गया जी, चलो ठीक है। और उसके बाद मुझे लगा के चलो अब बच गई, लेकिन फिर डॉक्टर ने कि जी 15 दिनों के बाद, बीच में उन्होंने थोड़ा सा टाइम दे दिया रेस्ट पीरियड और कहा कि अब 15 दिनों अब आ जाओ चेकअप करना है। और मैंने कहा कि मुझे लगा कि जब ट्रीटमेंट हो ही गया अब दोबारा चेकअप किस चीज का। वो कहते कि नहीं दोबारा आ सकता है तो आओ। और मैं चलो वहां पे जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, वहीं पे बैठ के ब्लड टेस्ट करते थे, ब्लड टेस्ट किया विद इन 2 मिनट्स रिपोर्ट आ जाती थी, और उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट के रूम में जाओ, फिर उसने स्कैन करना और उसने बताना कि हाँ जी सारा कुछ ठीक है, जाओ अब 15 डेज के बाद फिर आ जाओ। वो जो टाइम था ना जब रिपोर्ट में अभी पता नहीं आया, नहीं पता नहीं है क्लैरिटी के जी सारा कुछ ठीक है, वो मोमेंट्स थी ना, दोज वर वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, बहुत मुश्किल सी। ऐसे लगता था कि ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया, क्योंकि डर इतना लगता था तब कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा। और फिर मुझे लगा कि अभी तक तो जो जब ट्रीटमेंट चला के डर निकल गया था, और वो डर वापस आना शुरू हो गया, और मुझे लगा कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया, ये तो अब क्या करूं। फिर मैंने भी कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ऐसा पॉसिबल इस दुनिया में कि जो करो तो उसको करने से आपका डर निकल जाए। तो मैंने इंटरनेट पे काफी पढ़ना शुरू किया, ढूंढा, और अल्टीमेटली आई रियलाइज के जो अमृत वेला है उसपे, मतलब अगर अमृत वेला बैठ के पाठ करो तो उससे बहुत सारे आपकी मतलब भगवान सुनते हैं उस टाइम। सो मैंने अमृत वेला शुरू कर दिया, शुरू किया डर से, 5 मिनट, 5 मिनट के बाद नींद आ जाया करे क्योंकि आदत नहीं थी, फिर 10 मिनट कर लिया फिर नींद आ जाया करे, ऐसे ही बस हाथ धो के बैठ जाना और नींद आ जाया करे बेड पे। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में मैंने गुरु जी पर अरदास करनी शुरू कर दी कि गुरु जी मैनू मैनू इंडिकेशन दो कि तुसी मैनू दोबारा नहीं होगा, बार 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 गुरु जी दसो, मैनू मैनू नहीं पता, मैनू दसो, बस ऐसे करी जाना अपने मन में। फिर गुरु जी ड्रीम में आए, वही येलो चोला उन्होंने पहना हुआ था, और उनके राइट साइड पे एक लेडी बैठी थी जिसको गुरु जी, और लेफ्ट साइड पे मैं बैठी हूँ, और गुरु जी उस लेडी को बड़ा ब्लेस कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा जेलसी भी फील कर रही हूँ मन में कि हाँ गुरु जी इन्हू तो सारा कुछ आशीर्वाद दे ही जाते ने। सो गुरु जी देन मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा कि गुरु जी मैंने दसो मैंने दोबारा तो नहीं होगा। तो गुरु जी ने ना अपनी राइट हैंड जो उंगली उठाई मेरी तरफ पॉइंट आउट की और बोला बड़ी स्ट्रिक्टली डोंट वरी। सो मेरी नींद खुल गई और मुझे लगा कि मैं वाकई गुरु जी ने मिल के आई हूँ, बिकॉज मैं नो फीलिंग पता है जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में होते थे कि कैसे लगता था, आई रियली फेल्ट इट के गुरु जी आए थी। मैं बड़ी खुश के गुरु जी ने बोला कि डोंट वरी, 2 दिन तो बहुत खुश के गुरु जी ने बोल दिया डोंट वरी, 3रे दिन फिर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। गुरु जी ने ये तो बोल दिया डोंट वरी, गुरु जी ने ये नहीं बोला कि दोबारा नहीं होगा। और जब ये थॉट दिमाग में आया फिर डर लगना शुरू हो गया, और थोड़ा पहले थोड़ा शुरू हुआ। और मैं आपको ये भी बताऊं कि डर ऐसी चीज है एक्चुअली, जिन्हों तुम जिन्नी हवा दे जाओगे ना उन्नी बढ़ता जाओ, उतना ही बढ़ेगा। कोई भी थॉट है अच्छी माड़ी, जिस थॉट को भी ज्यादा आप लोग हम लोग अटेंशन देंगे वो ही, तभी तो गुरु जी बोलते थे कि नेगेटिव थॉट्स ना ले आया करो मन च। सो आई जस्ट के थोड़े दिन बाद वो बड़ा पहाड़ बन गया मेरे सामने मेरे थॉट्स के, ये तो दोबारा आऊगा हूं मैं की करा, अमृत वेला तो अमृत वेले नाल तो कुछ भी नहीं होना, 5 मिनट कर लिया 10 मिनट कर लो कोई गारंटी थोड़ी है। सो एक दिन फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो उसी पंडित से जिसने हॉरोस्कोप में पहले बोला था उसी से पूछते हैं। सो आई कॉल्ड माई मदर और उनको बोला कि आप ऐसा करो कि उससे दोबारा पूछो तो सही, ये दोबारा तो नहीं होता। तो मेरे मदर ने मुझे डांटा भी कि तू
मजाक बना रखा है, जो गुरु जी ने तुझे बोल दिया डोंट वरी और तुझे उनपे विश्वास नहीं है। मैंने कहा कि विश्वास तो हैगा, मैं जो भी उपाय पंडित बोलेगा मैं नहीं करूंगी, बट आई स्टिल जस्ट वॉन्ट टू बी श्योर कि दोबारा नहीं होगा, जस्ट टू काम माई माइंड। तो वो बोलते कि ठीक है, एक दिन की बात है, तो वो बोलते कि ठीक है चलो मैं घंटे के तक असी जाने हैं, हुन दोपहर का टाइम है, तो एक घंटे तक हम लोग पंडित के घर घर जाते, पास नहीं था, क्या आप लोग तब तक मैं अपनी बेटी को स्कूल से ले आऊं, शी वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। और मैंने कहा कि बस वापस आके चलो, मैं 10-15 मिनट जब वापस आई, 15 मिनट का सी आन जान का रास्ता। सो आई पिक्ड अप माई डॉटर फ्रॉम द स्कूल, उसके बाद स्कूल से लेके मैं मेन रोड पे चढ़ी हूँ, और मेन रोड पे स्पीड थी 70 किलोमीटर की, और वो उसी रोड पे ना, एक तरफ तो आप जा रहे हो, दूसरी तरफ से ऑपोजिट से गाड़ियां आ रही हैं। तो मैं जब रोड पे चढ़ी तो मुझे लगा कि मेरे बराबर ना एक ट्रक आ गया, चिट्टे रंग का ट्रक सी, कोई ओदे उत्ते कोई भी पब्लिसिटी कुछ भी नहीं था उसके ऊपर, और इंडियन ट्रक से थोड़ा सा बड़ा था, क्लोज्ड था चारों तरफ से लेकिन बिल्कुल वाइट। और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने मेरे बराबर, हालांकि उसको मेरे बराबर नहीं होना चाहिए था बिकॉज वो ऑपोजिट लेन थी, तो या तो मेरे पीछे हो या मेरे आगे हो, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी स्पीड से, मुझे जल्दी थी कि घर पहुंच के मैं, पता नहीं मम्मी जानगे कि नहीं जानगे, मैं दोबारा उन पे प्रेशर डालूं, तो आई वॉज मोर कंसर्न अबाउट दैट। और मैं आगे निकल गई 70 की स्पीड पे, थोड़ी दूर मुझे ना लगा कि दूसरी ऑपोजिट साइड पे ना वहां पे हिरन खड़ा है, और वो जो एरिया है वहां पे ना, वैसे ही आप अगर खेत हैं वहां पे तो आपको दूर दूर दिख जाते हैं, लेकिन बिकॉज फेंसिंग हुई है तो सड़क पे नहीं कभी दिखा। सो मुझे वो अजीब नहीं लगा, लेकिन उसकी उसने जो पोजीशन अपनी बनाई ना, तो ऐसे लगा कि वो जंप करेगा, और जब वो जंप करेगा ना मेरी आगे विंडस्क्रीन पे आगे आगे लगेगा, और इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा कि पूछो ना। तो मैंने अपनी, मैं ओ डियर बस, और तो कुछ मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मैंने एक हाथ अपनी बेटी के मुंह पे रख दिया कि मुझे लगा कि अब जब उसके शीशा ना लगे, उसको बचाने के लिए एक हाथ से ड्राइव कर रही हूँ, उसकी तरफ देख रही हूँ, ओ डियर करी जा रही हूँ। और उसने छलांग लगाई, और वो ट्रक जो मैंने, मुझे लगा था पहले कि मेरे बराबर है, वो हम दोनों के बीच में आ गया, उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ मैं जा रही हूँ, हालांकि उस वो उसको उस तरफ होना नहीं चाहिए। और मेरे सामने वो हिरन जो उसका बैक टायर था लेफ्ट साइड का, उसके नीचे उसके टायर के बिल्कुल सामने घूम गया, क्योंकि तो मैंने कार हॉली कर ली थी और मुझे वो दिख रहा था, तो दिख रहा था मुझे कि बिल्कुल घूम गया टायर के ऊपर, और उसके बाद वो ट्रक के नीचे चला गया। और जब मैंने, और मुझे एकदम के अब बहुत ही डरावना सीन होगा बिकॉज इतना बड़ा हिरन था, और मुझे ये भी दिमाग में आ रहा था कि इतना बड़ा हिरन ने ट्रक के नीचे चला गया था, ट्रक वाले ने ट्रक रोके ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं लग गया, ये भी मुझे हैरानी, सारा विद इन सेकेंड ही चल रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है जो कुछ भी हो रहा था। और उसके बाद संगत जी, तुम बिलीव नहीं करोगे कि वो ट्रक आगे चला गया और मेरी गाड़ी स्लो थी, और वो हिरन सड़क पे जैसे किसी ने फोल्ड करके रखा हो, वो जो मेरे सामने टायर के ऊपर घूमा था, नीचे आया था टायर के, और सारा कुछ फोल्ड करके जैसे रखा था, और मेरे सामने वो अनफोल्ड हुआ, सीधा खड़ा हुआ, और उसके बाद उसने जंप लगाया साइड पे एंड चला गया, जंप लगाया, और मैं उसकी तरफ देखती हूँ, मैं आगे, मेरी गाड़ी आगे जा रही है, और तभी इतनी जोर से गुरुजी की आवाज आई, जे मैं इनू बचा सकता मैं तेनू भी बचा सकता, बहुत चीजों मैं, सॉरी संगत जी, और मैं समझ गई कि गुरु जी ने मैनू ना, उस टाइम यही नहीं रियलाइज होया कि भी गुरु जी ने मैनू विजन दिखाया है, मुझे ये लगा कि शायद ये सचमुच हुआ है और गुरु जी ने एक हिरन को बचाया है। और मैं गाड़ी आगे तेज करके, वो ट्रक भी अभी भी उसी रॉन्ग साइड पे जा रहा था, उसको क्रॉस करके आगे चली गई, आगे जाके मैंने दिमाग में आया कि हो सकता है कि वो हिरन, तब तो चलो जंप मार गया लेकिन जख्मी पड़ा होगा साइड पे,
आगे जाके मैंने यू टर्न किया कि मैं जाके, सड़क खाली थी और कोई गाड़ी नहीं मुझे दिखी सारे रास्ते में। तो मुड़ के वापस आई और आके देखा, ना तो वहां पे ट्रक था ना वहां पे हिरन था। मैंने अपने बेटी से पूछा कि तूने, वो कहती कि उसने तो कुछ देखा ही नहीं था, उसने बस मुझे, आई वॉज स्क्रीमिंग के ओ डियर ओ डियर का, और वो भी बड़ी कंफ्यूज थी कि मम्मी को क्या हो गया है। सो एंड देन आई रियलाइज के गुरुजी ने मैनु विजन दिखाया है, एंड मैं हूं जो मैं प्रॉमिस किया बिच थोड़े थी सारा कुछ छड़ देना है, कि हुन नहीं मैं वो चीज करनी है। सो आई केम बैक होम एंड आई टोल्ड माई मदर के मेरी हॉरोस्कोप नु पाड़ के सिट दो, मैं दिखाने की कोई लोड़ नहीं है, हुन जो करनगे गुरु जी करनगे, भी मैं हुन गुरु जी ते छड़ता सारा कुछ। चलो संगत जी, मैं असी उस तो बाद जर्मनी तो स्पेन शिफ्ट कर गए, बिकॉज जर्मनी वेदर बहुत ज्यादा खराब रहिंदा सीगा, ते मेरे सानू आए भी इत्थे स्पेन च मौसम ठीक रहिंदा, सो वी शिफ्टेड हेयर। ते उस तो बाद की होया कि इत्थे डॉक्टर्स ने भी कहता कि हर 3 महीने बाद आओ आके चेकअप कराओ आपका, बट हुण वो कुछ अमृत वेला कारण करके मैनू, जिवें गुरु जी ने इन्ना कॉन्फिडेंस देता सीगा कि जदों चेकअप ले जाना तो डर नहीं सी लगता हुंदा, मैनू ऐ हुंदा सी चलो जो भी उन्होंने चेकअप करना कर लो, रिपोर्ट आ गई। हालांकि माय ब्रदर माय फैमिली व्हेन एवर दे यूज्ड टू और माय इन लॉज के भी तेरा चेकअप होना है तो सानू रिपोर्ट दस, फिक्रमंद होना उन्होंने सारे ने, और मुझे लगता कि एम ही फिक्रमंद कोई आंदे, मेरे हस्बैंड को भी बड़ा मतलब थोड़ा फिक्र हो जाना, लेकिन मुझे नहीं डर नहीं लग गया। सो 2000 नाउ आई गो टू 2018, 2018 जनवरी के एंड की बात है। अपने रूटीन चेकअप के लिए आफ्टर 3 मंथ्स जो भी था हॉस्पिटल में गई हूँ, तो उन्होंने जब चेकअप किया मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने, वो रिपोर्ट तो ठीक आई, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा कि ओवरीज में ना उन्हें थोड़ी सी ग्रोथ दिख रही है, और वो बोलते कि मतलब हम लोग बायोप्सी नहीं करते, हम लोग ओवरीज को रिमूव कर देते हैं और अगर कुछ हुआ तो उसके बाद ही टेस्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। सो उन्होंने मेरा फेब्रवरी 2018 में उन्होंने मेरा चलो टेस्ट किया, चलो सर्जरी हुई, लेकिन जब उन्होंने खोला अंदर से जब सर्जरी हुई है तो कैंसर था, ओवरी से जाके सारे अंदर फैलिया होया सी, किसी ऑर्गन नो उन्हें पेनिट्रेट नहीं सी किता, बट जैसे आप बबल गम चिपका देते हो ना फ्लोर पे, ऐसे चिपका हुआ था, फैला हुआ था, लेकिन अंदर किसी ऑर्गन के अंदर नहीं गया हुआ था। तो उन्होंने चलो वो रिमूव कर दिया, उन्होंने ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स रिमूव कर दी, और उसके बाद उस दिन उन्होंने मतलब 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रही, और उन्होंने कैथेटर, यूरिन कैथेटर लगा दिया, और 2 हफ्तों के बाद उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। अब जब मैं घर आई तो मेरे दिमाग में ये बात कि अब मेरा अमृत वेला तो होना नहीं, हॉस्पिटल तो सारा दिन पे मतलब आप पड़े हो सारा दिन तो बैठे, चलो थोड़ा पाठ कर ही जाओ मतलब अलग बात है, लेकिन यहाँ घर में था कि मैं गुरुजी के कमरे में जोत लगा के बैठ के पाठ किया करती थी सुबह 3 बजे, तो वो तो होना नहीं। सो मैं गुरुजी ने, मैं हा गुरु जी आपके मन च के गुरु जी अमृत वेला तो मैं तो हूँ होना नहीं, तुसी मेरी हालत देखो, मेरे यूरिन कैथेटर लग गया होया। सो मैं सो गई। तुसी संगत जी बिलीव नहीं करोगे, 2:23 से इतनी उच्ची गुरु जी की आवाज आई, जे ठीक होना है तो उठ। मैं तो एकदम ही उठ खड़ी, है गुरु जी की आवाज जी, जे ठीक होना है तो उठ। और मैं, मेरी समझ में ना है अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो पाउच है जिसमें यूरिन है वो भी साथ में लटक रही है, लेकिन फिर दिमाग में भी गुरु जी ने तो पता ही है झूठ अंदर या बाहर, उन्होंने तो मेरी हालत का पता है, अब उनका हुक्म है तो मुझे करना चाहिए। सो आई वेंट टू द बाथरूम, थोड़े मैंने अपने हाथ धोए, मुंह पे भी 2-4 छिट्टी मारे, और तो मुझसे कुछ हो नहीं रहा था, और मैंने जो यूरिन पाउच थी उसको अपने एक प्लास्टिक बैग में डाल के, और उसको जैसे हम पर्स को हैंग करते अपनी बाजू में राइट आर्म में, ऐसे हैंग किया, और वहां जाके गुरु जी को जोत लगाई, लगा के कहा गुरु जी मैनु माफ करो, मेरे च झूठ मतलब इस टाइम
झूठ सुच का कोई हिसाब नहीं हैगा, जिवें है ओवें कबूल करियो। और उसके बाद मैं मतलब फ्लोर पे तो बैठ नहीं सकती थी, और वहां पे कुर्सी रख के वहां बैठ गई, और मैंने जो जितना भी मुझसे हो सकता था मैंने पाठ किया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरी 5 कीमोज होगी और 6 कीमो विल बी अ कीमो प्लस सर्जरी, वो मतलब बाद में। सो 5 कीमो, चलो 4 कीमो हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कोई वो नहीं। वो जैसे विद इन 10 डेज वॉज ऑल्सो आउट एंड आई कुड सिट, मैं फ्लोर पे बैठ सकती थी। और उसके बाद चलो 5 चार हुई कीमोज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 4 कीमो के बाद गुरु जी का सुपना हो गया मैनू, और सुपने में क्या डर नहीं लग गया सच में। उस तो पहला मैं एक बात और बता दूं कि जब उन्होंने बोला था कि ओवरीज में हमें ग्रोथ दिख रही है और उन्होंने मुझे स्कैनिंग के लिए भेजा था, तो मैंने गुरुजी से, मुझे याद है कि मैं गुरुजी तो ये नहीं सी मंगया कि गुरुजी मेरा कैंसर ठीक कर दो, भी कैंसर ना होवे भी वो ना होवे, मैंने ये बोला था, अरदास की थी कि गुरुजी जे मेरा टेस्ट ले रहे हो तो मैंने फेल ना करो बस, क्योंकि तो ये अरदास की थी उनसे। ओके, उसके बाद जब कैंसर के भी डायग्नोस जब आया मुझे डर नहीं लगा, मैंने कहा चलो ठीक है मेरा टेस्ट हो रहा है हुण। क्योंकि गुरु जी की बेकदरी, पहला जो तो गुरु जी फिजिकल फॉर्म से बथेरी कर ली सी, उन्हें तो विश्वास ना करके के रब ने भी हुण नहीं वो चीज होन देनी। उस तो बाद 5th कीमो तो पहला गुरु जी का सुपना आंदा, और गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी की राइट साइड पे दो सरदार बैठे हैं और लेफ्ट साइड पे मैं बैठी हूँ। और मैं बड़ी खुश कि गुरु जी, मैं तो गुरु जी को बैठी हाँ, मतलब मन बड़ा खुश। और गुरु जी मेरी तरफ देख के बोलते, तू फिर आ गई इतने, जा इतो। और गुरु जी ने ना मुझे किक मारी जोर से और मैं नीचे गिर रही हूँ। और मैं मन में बड़ी उदास थी, मैं कहा मैं तो गुरु जी ने इतना प्यार कर दिया कि गुरु जी ने मैनू फिर आ की गल बनी कि जा इतो। और संगत जी जब मैं नीचे गिर रही हूँ और जब मैंने नीचे देखा तो आई रियलाइज कि एक्चुअली मैं तो उत्ते पहुंच गई सी और नीचे जमीन दिख रही थी और उस तरफ जा रही थी मैं तो। देन आई रियलाइज कि गुरु जी ने मैंनु वापस भेजे है, मैंने उदास होने की लोड़ नहीं, वो तो एक्चुअली उन्होंने मैंनु जिंदगी बख्शी है। सो उस तो बाद 5th कीमो हुई, 5th कीमो दी पहले ही मुझे ऑलरेडी ना दिमाग में टेंशन आ रही थी 5th कीमो की, के पिछली बारी भी 5th कीमो के बाद पैरालिसिस का अटैक हुआ था। मीन टाइम मेरा फेस काफी ठीक हो गया सी, काफी मतलब ना जो इतने साल का, दो दो साल तक पैरालाइज रहा, फिर हौली हौली ठीक होंगे होंगे काफी ठीक हो गया सी। बट मैनू टेंशन के भी 5th कीमो है। सो 5th कीमो दे ले गई, आई घरे, सारा कुछ ठीक है, रात नू सौंगी ठीक है, रात को 12 बजे नींद खुल गई और फिर वही घूम रहा है, सारा कुछ गोल गोल घूम रहा है जैसे पिछली बार हुआ था 5th कीमो के बाद, चक्कर पे चक्कर और जैसे रोलर कोस्टर पे हूँ। मुझे तो इतना डर लगा, मैंने कहा तेरे दी या तो पंगा पै गया तो फिर वही कुछ हो गया। और मैंने तो जंप किया जाके बाथरूम में, फटाफट दो कुछ छिट्टे मुंह पे डाले, हाथ अपने धोए और जाके सीधा गुरुजी के कमरे में बैठ गई। मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि जड़ी भी चीज मैनू लैण खातर आई है ओहो, मैनू ले जाण लई आई है ओहो, गुरु जी के कमरे च नहीं आ सकती और मैं बाहर नहीं निकलना गुरु जी के कमरे तो। सो मैं गुरु जी के कमरे में बैठ गई, बहुत डरी हुई, चक्कर आ रहे हैं और गुरु जी को बस यही बोल रही हूँ, गुरु जी मैनू बचा लो, गुरु जी मैनू बचा लो, गुरु जी मैनू बचा लो, बस यही बोली जा रही हूँ। और ये पूरा कि अगर बाहर निकली तो उसने मुझे दबोच लेना है, मैं निकलती नहीं बाहर। सो वहां पे बैठी रही 10-15 मिनट के बाद लगा कि जो भी बॉडी में जो भी कुछ हुआ था ना, वो ऐसे लगा कि जैसे ना सेटल डाउन हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता होते होते वो जो चक्कर आने थे बंद हो गए और नॉर्मल हो गई थोड़ी देर बाद। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर अभी भी चाहे मैं ठीक हो गई हूँ, मतलब अभी भी बाहर निकली तो प्रॉब्लम पड़ेगी, मुझे मर जाऊंगी। तो मैं बैठी रही, सुबह के 5 बजे तक मैं वहां गुरु जी के कमरे में बैठी रही और पाठ करती रही, बीच में गुरु जी बचा के रखियो बचा लो। 5 बजे मुझे थोड़ी हिम्मत आई कि अब मैं बाहर निकल सकती हूँ।
जो कुछ भी है वो कोस्ट इज क्लियर, बाहर नहीं है। सो आई केम आउट ऑफ द रूम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। चलो फिफ्थ कीमो मुंह में निकल गई। सिक्स्थ कीमो पे ऑन्कोलॉजिस्ट वगैरह ने बोला कि आपको, वो 5 सितंबर 2018 को थी, उन्होंने बोला कि उस दिन पहले तो वो सर्जरी करेंगे, मेरा गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, यूट्रस, विसरल फैट, पहले तो वो रिमूव किया जाएगा, उसके बाद एब्डोमिनल क्या एक तरफ गली करके कीमो सॉल्यूशन डाला जाएगा और दूसरी तरफ से वो बाहर जाएगा पूरी एब्डोमिनल कैविटी में 43 डिग्रीज पे, मतलब चलेगा 3.5 घंटे। उसके बाद सर्जरी के बाद वो होगा, आई मीन दैट इज व्हाट व्हाट दे कॉल हाई पेक सर्जरी, और उसके बाद मतलब ये ट्रीटमेंट होगा। मेरे पास तो और कोई मतलब कुछ कर भी नहीं सकते थे। सो 5 सितंबर 2018 को वो सर्जरी हुई और उन्होंने पहले वो सारा कुछ किया और उसके बाद कीमो सॉल्यूशन का जो भी था वो ट्रीटमेंट, मतलब मैं तो बेहोश थी। और जो भी लोग बेहोशी में गए हैं तो उनको पता है कि जो बेहोशी का टाइम है उस टाइम आपको ना तो कोई ड्रीम आता है ना आपको कोई विजन आता है, मतलब आप इट्स अ लॉस्ट टाइम। आपको एनेस्थीसिया से पहले का टाइम याद है या जब होश आता है तब का, तब याद आता है आप होश में हो, जब बिचाले का टाइम कुछ नहीं याद। उस दिन गुरुजी ने ऑपरेशन थिएटर च दर्शन दिते, मैं पड़ी हूं, मेरी साइड से मुझे दीवार, दोनों तरफ की दीवारें दिख रही हैं ग्रे कलर की, जैसे छोटी सी टनल और सामने गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी ने पीले रंग का कुर्ता, प्लेन कुर्ता सिल्क का पहना हुआ है, थोड़ा सा डार्क, और प्लेन कलर की थोड़ी सी लाइट मतलब जो लुंगी थी वो पहनी हुई है येलो कलर की। वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो मेरी सिर की तरफ ऊपर कुछ किसी और को देख रहे थे, और मुझे लग रहा था कि जैसे बाहर कोई है वो अंदर आना चाहता है, ते गुरुजी खड़े ने कि मैं खड़ा तो अंदर नहीं आ सकता। दिस वॉज द विजन दैट आई हैड व्हेन आई वॉज इन व्हेन दे वर ऑपरेटिंग ऑन मी हॉस्पिटल में। और चलो उसके बाद उन्होंने जब रिकवरी रूम में आ गई, होश आ गया, और मैंने उसी वक्त अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को भी बताया कि आई सॉ गॉड, और मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, क्योंकि मुझे था कि थोड़ा टाइम अगर निकल गया ना तो मैं किंतु परंतु में पड़ जाऊंगी कि शायद मुझे ना जिन कहने ना प्लेखा लग गया है, मतलब गुरु जी दर्शन नहीं हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि दर्द शुरू होगी और दर्द भी एनी एक्सट्रीम के मैं दस नहीं सकती, बट मैं तो हिल भी नहीं सकती थी क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले मेरी सर्जरी हुई थी। मैंने उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया, और जब उन्होंने लगाया थोड़ी देर बाद दर्द था ठीक होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद नर्स भागी भागी आई, उसने मतलब मुझे मॉनिटर देख नहीं रहा था, उसने देखा उसकी तरफ और थोड़ी देर बाद भाग के चली गई, और दोनों सर्जन भागे भागे वो भी आ गए और उसको मॉनिटर को देख रहे हैं बड़े सीरियस, और मैं उनको देख रही हूँ ये नन की हो गया। और वो मुझे बोलते कि उन्होंने पूछा कि तेरा नॉर्मल ब्लड ब्लड प्रेशर क्या है, तो मैंने कहा कि 100, यूजली मेरा 120/80 रहता है, तो ये तो मैंने कहा कि इज देर अ प्रॉब्लम, तो कहते कि हाँ लेकिन डोंट वरी करके, लेकिन जाते जाते नर्स को इशारा कर गए कि सानू बुला ली भी जे कोई प्रॉब्लम पैगी। मैंने नर्स को बोला कि इसको मॉनिटर को मेरी तरफ तो घुमा, मैंने देखना है ये तो की देख रहे सी ये क्यों मैंने सीरियस सी। और उसने जब घुमाया और जब मैंने अपनी पल्स का वो जब ब्लड प्रेशर देखा तो इट वॉज 60/50, मेरी तो जान निकल गई डर से। मैंने कहा कि हो गया, मतलब अभी तो सर्जरी से निकली हूँ और अब मेरा ब्लड प्रेशर जो नीचे 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 जा रहा है, तो मतलब। और फिर मैंने गुरु जी को अरदास की बहुत ज्यादा, मैं बहुत बड़ी पड़ी, मैं गुरु जी हुण तुसी हुण दोबारा ना फिर मैनू कितने वो मेरी हार्ट की सर्जरी नू ना लै जान, मतलब गुरु जी प्लीज सुनो मेरी हालत, मैं उठ भी नहीं सकती थी, मतलब जमे ही मंजे च पई हाँ। 10 मिनटों के बाद तुम देख लो कि वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हो गया,
एंड इट केम टू 110/70। सो आई वॉज हैप्पी कि चलो गुरु जी ने इतने आ भी थोड़ी जी टाल थी। पर उस तो बाद मेरे दिमाग में ये आ गया कि मैं मॉर्फिन का इंजेक्शन नहीं लाना, ये पंगा मॉर्फिन के इंजेक्शन नाल पाया सी। एंड सर्जरी जो होंगी है, जो पेन होंगी है, मॉर्फिन ही अल्टीमेट वो हैगा उहदा पेन किलर। सो आई रिफ्यूज इट। एंड फिर मेरे पेन जो हुई है, मेरे पुछो ना, जो पेन स्टार्ट होंगी सी बहुत दर्द होनी, तो मैं गुरु जी ने जो भी मन चाह गुरु जी मेरे दर्द हो रही है मैनू ठीक कर दो, तो नाल एक पैरल थॉट आउंदी हुंदी सी कि उन्होंने पता की कर रहे ने, तू मंग के तू आपदे उस ट्रीटमेंट च विघन पा रही है, मंगना नहीं है। सो वो चीज बस ऐ कहंदे गुरु जी मेरे दर्द हो रही है, इत्थे तक कह दिया करा, आए ना कहा करा कि गुरु जी मैनू ठीक कर दो, हाय गुरु जी मेरे दर्द हो, हाय गुरु जी बस मेरे दर्द हो रही है, फिर दर्द हट जाया करे कुछ घंटे, फिर शुरू हो जाया करे। सो आफ्टर 3 वीक्स दे डिस्चार्ज मी फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड आई केम होम। एंड मीन टाइम जो मेरा कीमो चल रहा सी, आई वॉज लुकिंग फॉर गुरु जी सत्संग के इतने कितने स्पेन च कितने होंगे हो तो मैं अटेंड करा, लंगर खावा, मेरे दिमाग चा। सो मैं एक आंटी नू आंटी करवाउंदे हुंदे सीगे, ते मैं उन्हां नू फोन किया इंटरनेट तो लैके कि आंटी जे थोड़े सत्संग हैगा तो मैनू दसो। तो वो बोलते कि ज्योति आंटी जब भी हम सत्संग करेंगे, अभी तो है नहीं कोई प्लान, जब भी करेंगे तो आपको बता देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। ये था जब कीमो चल रही थी, 2018 की बात है। सो मैं घर आ गई आफ्टर 3 वीक्स फ्रॉम द हॉस्पिटल, और अक्टूबर की बात है, आंटी का मैनू फोन आंदा, मेरा ख्याल 12 पता नहीं, आंटी का फोन आया मैनू 10 अक्टूबर, 10 या 9 अक्टूबर नू, के ज्योति आंटी इट वाज सैटरडे, आई डोंट नो इफ इट वाज 12th अक्टूबर सैटरडे और 13th अक्टूबर, ये मुझे याद नहीं है, कि ज्योति आंटी साढ़े ना सैटरडे नू सत्संग है, तुम आ जाओ। तो मैंने कहा कि आंटी मेरी हालत तो बहुत खराब है, बिकॉज पेन इन्नी सी कि मैं सीधा मंजे च नहीं सी पै सकती हुंदी, सहाने रख के टेढ़े बिंगे होके मैं पे रहना, और कुछ डाइजेस्ट नहीं सी हुंदा, ते जड़ी पेन किलर्स उन्होंने मैनू पैरासीटामोल दे दिया सी, पर मॉर्फिन दा तो मैं आप ही जवाब देता सीगा। सो खाना मेरा की सीगा कि एक उबलिया होया आलू उबाल के, ते ओदे ते थोड़ा जा नमक छिड़क के, ते थोड़ा जा बहुत थोड़ा जा घ्यो ला के, ते एक फुलका। सारे दिन की डाइट यही सी, और कुछ हजम नहीं सी आता, दर्द बहुत हुंदी सी जदों भी खाना खाधा ते अंदर गया, ते फिर पेन स्टार्ट हुंदी सी, ते पेन भी एक्सट्रीम पेन। सो खाना खांदे हुए भी डर लगता सीगा, भुख तो लगती पर डर लगता हुंदा सी। सो मैं उन्हां नूं कहा, मैं कहा आंटी मेरी हालत तो बहुत खराब है, मैं तो सत्संग च आ नहीं सकती। ते वो कहंदे कि आंटी तुसीं देख लो जिवें तुहानूं ठीक लगे। मेरे हस्बैंड नू मीन टाइम इन्हां नू गुरु जी च विश्वास होने लग गया सी, बिकॉज इन्हां ने भी देखा सी कि किवें गुरु जी ने इन्हू बचाया, ते कुछ उन्हां दे आपदे पर्सनल एक्सपीरियंस भी होए सी, जिहड़े उन्हां नू लगे सी कि गुरु जी च पावर हैगी है। ते उन्हां ने मैनू कहा कि आपां चलदे आं। सो मैं कहा भी ठीक है, तां मेरे उही आपदी चलाकी करनी जिवें आपदे दिमाग च, मैं सोचा कि गुरु जी दा लंगर बहुत ज्यादा मिर्चां वाला हुंदा है, सो इस करके मैं करती हाँ सब्जी मैं आपदे कोलों लै जानी हाँ, फुलके उत्थों लै लूँ, ये मेरे दिमाग च आपदे दिमाग च, ते भी इस तरीके नाल चलो तुसीं लंगर भी खा लो ते तुसीं आपदा चलो। ते पर उही है भी जां तां विश्वास है जां नहीं है, तो जिहड़ा प्रोमिस कीता सी विच विचाले नहीं करना। सो जिस दिन वो सैटरडे आया, सैटरडे थोड़े दिन बाद, 2-3 दिन बाद सैटरडे नू सवेरे मैं जदों पैक करन लगी आपदा आलू जो भी बॉइल्ड पोटेटो जो कुछ भी सीगा, तो मेरे दिमाग च आई कि विश्वास है जां नहीं है, विच विचाला क्यों कर रही हां। सो गुरु जी थोड़े ते छड्या, जो तुसी खवाओगे जो थोनू ठीक लगे वो ठीक है। सो कुछ नहीं चक्या मैं, असी उत्थे चले गए सत्संग अटेंड कर, वो दूसरी सिटी च सीगा, काफी फर्क ते सीगा, चलो घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटा जो भी लग्या, उत्थे पहुंचे
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਹੋਸਟ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਚ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੁਲਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਓਲਡ ਸੰਗਤ ਕੇ ਆਂਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਵੋ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ, ਜਬ ਸਤਸੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਕਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੋ ਵੋ ਸੁਣਾਨੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਤਬ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਹੁਆ। ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਟਾਈਮ ਥਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਅਰਾਊਂਡ 8 o'clock। तो उन्होंने, किसी और लेडी ने आके मुझे प्लेट पकड़ा दी, और उस प्लेट की तरफ जब मैंने देखा तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। तो वो जिसमें एक्सट्रीम एक्सट्रीम मिर्चें वाली, और बाकी तीन चीजें, एक तो प्रसाद था और दो और थी, फुलका कितने नहीं सी, कोई सब्जी नहीं सी, बट देख के मतलब लंगर वॉज लुक वेरी टेस्टी, बट आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन के मैं मिर्चा वाली कोई चीज खा भी लवा, बिकॉज मेरी तो हालत बहुत ज्यादा खराब सी। बट जो सत्संग च बैठी सी, सोफे ते मैं बैठी सी, दर्द नहीं हुई उस टाइम मैनू कोई भी, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने प्लेट पकड़ा दी, और अब मैं सोच रही हूँ खावा कि ना खावा, क्या करूं इसका। अब संगत जी, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब सत्संग सुनते हैं तो केड़ा सत्संग किस टाइम थोनू गुरु जी याद करा देन, और आपके लिए एक तरह की लाइट बन जाए, गाइडिंग लाइट बन जाए, कि उसको आपको याद करके दिमाग में आए कि अच्छा मैनू भी आई करना चाहिए। मतलब क्योंकि जब जेसा अंकल के मैं सत्संग सुनती थी तो वहां पे उस सत्संग में उन्होंने एक 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 अंकल का बताया था कि उनका सिर वो बाहर पौड़ी ते बैठे सी, ते गुरु जी जो फिजिकल फॉर्म च सी, ते उपरों एक गमला आके उन्होंने उपर डिग पिया सी, और फिर उनको हॉस्पिटल ले गए थे, और गुरु जी वहीं बैठे रहे थे अपनी कुर्सी पे, सिंहासन पे। और जब वो आंटी अंकल नेक्स्ट डे आए थे, और सभी को हैरानी हुई थी कि गुरुजी अपने सिंहासन से, उन्होंने कोई एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं अटेंशन दी। मुझे लगता है कि बहुत जनों ने वो सत्संग सुना होगा। और उसके बाद जब वो नेक्स्ट डे वो कपल, वो आंटी अंकल आए थे, तो गुरुजी ने आंटी को बोला था कि आंटी आता सत्संग सुना फिर कल की देखिया। और फिर आंटी ने बताया था कि यमदूत मेरे हस्बैंड को लेने आया था, और गुरुजी एक और फॉर्म में वहां से निकल के यहाँ पे आए थे, और उन्होंने उसको डांटा था और उसको बोला था कि ये मेरा भगत है, इसको कुछ नहीं बोलना। और वो गुस्से में जाता हुआ ऊपर से गमलाई को हाथ मार गया, मारिया उन्हें, तो गमला आके अंकल दे सिर पे लग गया। सो जब मुझे पैरालिसिस हुआ था, तो मुझे पैरालिसिस जो फेस हुआ था, तो मुझे उस वो सत्संग सुनने के कारण मुझे यही होता था कि दिस इज द बेस्ट, क्या सोल्यूशन इस चीज का, कि मौत या पैरालाइज फेस। सो पैरालाइज फेस फिर भी ठीक है, कि मेरे भी वो जब गुरुजी ने उसको बोला था कि जा भाग जा भाग जा, तो वो जाता हुआ मेरे या तो थप्पड़ मार गया या मुझे हिट कर गया या कुछ भी, सो दैट्स व्हाई आई गॉट पैरालाइज इन माय फेस। सो इसलिए मुझे पैरालाइज फेस की इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ती थी कि हो गया सी, पर जिंदगी तो बच गई। सो नाउ जब इस आंटी के सत्संग में मैं वहां पे बैठी हूँ, तो वो प्लेट है मेरे पास, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तो वो जो आंटी सत्संग सुना रहे थे, तो वो बोले कि गुरु जी, वो अपना सत्संग सुना रहे थे कि गुरु जी ने कैसे उनको बोला कि हे लंगर खाना है, हे दवाई है। और मुझे याद है कि जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में एक बार, गुरु जी ने एक बार मुझे भी बोला था कि जाके लंगर करना है। सो वो दिमाग में घूम रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं लंगर खा लाऊं। फिर मुझे सत्संग याद आया, कौन से वो अंकल है, मुझे उनका नाम क्या, वो पॉलिटिशियन शरद पवार, उनका सत्संग एकदम ही दिमाग में आया, जैसे गुरुजी गाइड कर रहे हैं कि कैसे उनको मुंह का कैंसर था, और वो गुरुजी के पास गए, और गुरुजी ने उनको चाय मिली थी कि आप चाय पियो, और उन्होंने आधी चाय पी थी आधी छोड़ दी थी, और वो उनका कैंसर पूरा क्योर नहीं सी होया। सो देन आई रियलाइज के नहीं, ये मेरा टेस्ट है, ये मैनू करना ही पऊगा, विच विचाला नहीं करना। सो आई स्टार्टेड ईटिंग स्लोली स्लोली स्लोली, करते 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 मिर्च वाली भी खा लिया, और सबके एंड में मैंने अपना लंगर कंप्लीट, मतलब फिनिश किया। और खाने के बाद लोग सारे मतलब इजाज़त लेके जा रहे हैं, और मुझे भी जल्दी कि हम लोग जाएं यहाँ से, बिकॉज आई वॉज एब्सोल्युटली श्योर कि हूं तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, मैं तो गई बस हूँ,
इन्नी मिर्चा खादिया ने हुण फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सर्जरी। सो हम लोग वहां से चल पड़े। रास्ते में मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं, मेरी डॉटर पूछ रही है, आर यू ओके? मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी तक था ठीक है, अभी तक ठीक है। करते करते हम लोग घर पहुंच गए, रात के मतलब सोने का टाइम टाइम ही हो गया सी। चलो मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, मैं ओमी जाके पै गई। ते पूरा मेरे दिमाग के रात नू अद्धी रात नू मैं हॉस्पिटल पहुंचू, कुछ ना कुछ होगा। और संगत जी तुसी बिलीव नहीं करोगे, सवेरे उठी हाँ मैं, जो उठी हाँ ऐसे लगा मुझे कि मुझे कभी कैंसर नहीं होया, कभी मेरी सर्जरी नहीं हुई। ऐसे लगे कि जैसे इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। ऑल दोज वट एवर हैपेंड इन दोज ईयर्स 2014 तो लेके 2018 की गल है, ते बिल्कुल। और मैं हिल रही हूँ, कभी बाजू हिला रही हूँ कि मैं मेरे पे दर्द क्यों नहीं हो रही, मैं मैनू आई क्यों लग रहा है कि आई एम वेरी एक्टिव, बट नो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और गुरु संगत जी, ओ दिन एंड आज का दिन, आई नेवर हैड एनी ट्रबल एट ऑल। जो कहते सी कि गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाए, कि देर आर मेनी यू नो यू कैन नॉट ईट सर्टन काइंड ऑफ फूड्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लिम्फ नोड्स कड्डे जान दी, थोड़ी बांस हो जाती है, थोड़ा यूट्रस रिमूव हो जाए, वेट इंक्रीज हो जाता, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बिल्कुल भी। यही जी गुरु जी ने, यही जी ब्लेसिंग्स दित्तिया ने कि बस पूछो ना। बस आई है कि गुरु जी हूं मैं, जे तुम मैंने सच्ची पूछते हो, मैं हर रोज गुरु जी नू शुकराना गुरु जी का करीदा, शुकराना के गुरु जी चंगा होया कैंसर आया, चंगा होया, चंगा होया कैंसर होया। क्योंकि पहला कैंसर होया अमृत वेला करने की आदत पई, दूजे कैंसर च के गुरु जी जड़ा गुरु जी ते विश्वास सीगा कि भी उस नू गुरु जी ने डिगड़ नहीं दिता, उस नू मतलब उस विश्वास नू कायम रखिया। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी एक्चुअली व्हेन आई थिंक दैट कि मैंने ये चीजा हुई ने। एंड दूसरी गल ये कि हूँ गुरु जी की कृपा नाल बिल्कुल ठीक हाँ, बिल्कुल ठीक हाँ। सो संगत जी बस गुरु जी का शुकराना। एक होर चीज मैनू हमेशा होंदा सीगा कि शुकराना किवें करीदा, जो उस टाइम सुनते होंगे सी गुरु जी कहते होंगे सी कि शुकराना सब तो बड़ी प्रेयर है, मैनू लगता होंदा सी कि शुकराना किवें करीदा। नेचुरली थोड़े मन च बड़ी लिस्ट होंगी है कि आ चीज पूरी हो जाए, आ हो जाए, आ हो जाए। बट संगत जी हुण सवाए शुकराने तो मुंह चो होर कुछ नहीं निकलता, बस गुरु जी नु दिन रात गुरु जी थोड़ा शुकराना। तुसी मैनू ऐस काबिल समझिया, मैनू एक्सपीरियंस होए, ते मैनू थोड़ा पता लग्या। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। बस संगत जी आ मेरा सत्संग सी। जय गुरु जी।